नमस्कार दोस्तों, कंटेंट राइटिंग के बारे में जानने से पहले मिलिए इंडिया के टॉप कंटेंट राइटर में से एक फेमस राइटर मुक्ति मासी से। कंटेंट राइटिंग के साथ साथ ये कॉपी राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी है। अपने 14 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ ये एबीएम पिक्चर का को फाउंडर भी है, जो की एड्स ब्रांड फिल्म बनाने का काम करते है। ये एक बहुत ही पॉपुलर कंटेंट राइटर तथा नए राइटर के लिए इंस्पिरेशन भी है। दोस्तों, जब एक कंटेंट राइटर अपनी टारगेट ऑडियंस और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई कंटेंट या ब्लॉग लिखता है तो उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। अगर इसे साधारण भाषा में बोला जाए, जैसे कि पहले की जमाना में एक आदमी ढोल लेकर पूरे गाँव में घूमता था और लोगों को राजा द्वारा कही गई बात जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, वैसे ही कुछ काम एक कंटेंट राइटर का होता है। मल्टीनेशनल कंपनी, प्रोडक्ट सेलर, एक्सपोर्ट, इन सब की बातों को एक पब्लिक तक आसान भाषा में पहुंचाना कंटेंट राइटर का काम होता है। अखबार और टीवी चैनल के बाद जब से डिजिटल मीडिया का दौर शुरू हुआ है, तब से कंटेंट राइटिंग भी फ्रेम में आ गया है। ये एक ऐसा जरिया है जिसे आप अपनी बात अपने यूजर्स या आपके क्लाइंट्स या आम जनता तक पहुँचा सकते है। वैसे तो दोस्तों, कंटेंट राइटिंग का ही एक पार्ट है और राइटिंग एक कला है, जैसे डांस करना, गाना गाना, कविताएं लिखना आदि। जी हाँ, इसे आप एक गॉड टैलेंट मानिए जिसे सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप ही आप में से निकल कर आता है। दरअसल कंटेंट राइटिंग में आपको लिखना होता है, लेकिन इसमें आपके इमेजिनेशन घोड़े नहीं दौड़ाने होते। इसमें आपको अपने सामने जो चल रहा होता है या आप किसी सब्जेक्ट पर कुछ जानते हैं जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, उस पर कंटेंट लिखना होता है। कुल मिलाकर कंटेंट का मतलब है सब्जेक्ट और राइटिंग का मतलब है लिखना, मतलब किसी सब्जेक्ट पर कुछ लिखना कंटेंट राइटिंग कहलाती है। और जो व्यक्ति ये काम करता है उसे कंटेंट राइटर कहते हैं। एक कंटेंट राइटर को कंटेंट लिखने के अलावा ब्लॉग, वेब कंटेंट, पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट, इन सब टोन के लिए भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही सबसे खास बात कि एक कंटेंट राइटर का रिसर्च वर्क सॉलिड होना चाहिए। जितना अच्छा आपका रिसर्च होगा, आप उतना ही अच्छा आर्टिकल लिख कर दे पाएंगे। कंटेंट राइटर करने से पहले एक कंटेंट राइटर को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये कंटेंट राइटिंग आखिर होते कितने प्रकार की है, क्योंकि कुछ भी लिख देना कंटेंट राइटिंग नहीं है दोस्तों। इसके कई प्रकार, कई स्टाइल और कई तरीके होते हैं। जैसे जैसे आप इसमें घुसते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना भी आसान नहीं है। जैसे एक पेड़ के शाखा और फिर शाखा से भी शाखा निकालती है, वैसे ही कुछ इसमें भी है। वेल, सबसे पहले आता है SEO कंटेंट राइटिंग। ये एक ऐसा मीडियम है जो आपके कंटेंट जो इंटरनेट की दुनिया में फैलाने में आपकी मदद करता है। इसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ऑनलाइन मार्केट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और आज के दौर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है। दूसरा है कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग राइटिंग। कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों की बातचीत और मार्केटिंग मतलब बाजार, मतलब कि इसमें आपका अपने डिसाइडेड ऑडियंस और यूजर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा कंटेंट लिखना होता है जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में रन करने में मदद करेगी। ये ज्यादातर प्रोडक्ट या ब्रांड रिलेटेड होता है। साथ ही ये सबसे मुश्किल कंटेंट राइटिंग में से एक है। ब्लॉग, ईमेल, कंटेंट कंपाइलिंग, ऑडियो वीडियो स्क्रिप्ट, ये सभी इसी का हिस्सा है। कॉपी राइटिंग, ये सबसे इंटरेस्टिंग राइटिंग है। कॉपी राइटिंग की पहली डिमांड क्रिएटिविटी होती है। अगर आप क्रिएटिविटी है और आप कविताएं, जिंगल, सॉन्ग लिखना पसंद करते हैं, तो ये आपके राइटिंग का बेस्ट ऑप्शन है। इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। साथ ही कॉपीराइटिंग का सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा होता है। लेकिन कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग एक दूसरे से काफी हद तक अलग होते हैं। टेक्निकल राइटिंग, जो लोग IT फील्ड से है और राइटिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए टेक्निकल राइटिंग अच्छा ऑप्शन है। ज्यादातर IT कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री में इस तरह के राइटिंग की जरूरत होती है। टेक्निकल राइटिंग का पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। ये ज्यादातर इंग्लिश में ही की जाती है।
फ्यूचर राइटिंग। दोस्तों फ्यूचर राइटिंग भी कंटेंट राइटिंग का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फ्यूचर राइटिंग में शॉर्ट स्टोरी लिखना, कॉलम लिखना, हेल्थ, लाइफस्टाइल आदि के बारे में लिखना शामिल होता है। ज्यादातर कंटेंट राइटर इसी तरफ ही जाना पसंद करते हैं। ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए ब्लॉग राइटिंग सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये इंटरनेट पे मौजूद एक ऐसा प्लेस है जहां आप अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, आइडिया दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप अपने ब्लॉग के साथ साथ दूसरों के लिए ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग पैसा कमाने का भी एक अच्छा जरिया है। घोस्ट राइटिंग। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेत के बारे में लिखना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो राइटिंग होता है जिसमें राइटिंग का नाम शो नहीं किया जाता। आपको बस अपनी सर्विस देना है और उसका पैसा लेना है। बाकी सारा क्रेडिट आप जिस भी कंपनी या क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं उसी का होता है। इसके अलावा ईबुक राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, वेब न्यूज राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब भी कंटेंट राइटिंग में ही आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कंटेंट राइटिंग किस किस फॉर्मेट्स के लिए की जाती है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के टाइप के हिसाब से ही कंटेंट राइटिंग की भाषा डिसाइड होती है। किसी भी ब्लॉग, ब्रांड या इवेंट को प्रमोट करने के डिजिटल मार्केटिंग में 3 टाइप के फॉर्मेट्स सेट किए गए हैं। वीडियो कंटेंट्स, ऑडियो कंटेंट्स और टेक्स्ट कंटेंट्स। वीडियो कंटेंट्स। वीडियो कंटेंट्स वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे YouTube वीडियो, मूवीज एटसेट्रा। आपने YouTube पर कई वीडियो देखे होंगे। वीडियो में दिया हुआ वॉइस ओवर या स्क्रिप्ट भी इसका कंटेंट होता है। जब हम वीडियो कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर लिखते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है जिसके लिए हम लिख रहे हैं, वो मेल है या फीमेल है, किस जगह से बिलोंग्स करता है, उस वीडियो में किस पात्रों पर रोल निभा रहा है, और उसी के हिसाब से हम वीडियो या उस पार्टिकुलर एक्टर के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। आप जितने सारे यूट्यूबर को देखते हैं, उन सारे यूट्यूबर के लिए वीडियो क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। भुवन बेम, जो बीबी के बहन्स बहुत पॉपुलर है, वो एक वीडियो के स्क्रिप्ट राइटिंग करने के लिए हफ्तों तक उसमें काम करता है। ऐसे ही आशीष चंचलानी, कारी मीनाटी, ध्रुव राठी, ए टू मोटिवेशनल जैसे ना जाने कितने हैं, चाहे बड़ा क्रिएटर है चाहे वो छोटा क्रिएटर है, सभी को कंटेंट राइटर की जरूरत है। यूट्यूब, फेसबुक पर ना जाने कितने क्रिएटर है, और जितने भी है उतने ही कंटेंट राइटर का भी तो जरूरत है। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने स्कोप है इसमें, कितनी डिमांड है और कितनी कमाई की जा सकती है। खैर, ऑडियो कंटेंट, ये वो होता है जिसमें हम सुन सकते हैं, जैसे पॉडकास्ट, FM और भी बहुत सारे हैं। ऑडियो कंटेंट के लिए भी स्क्रिप्टिंग किया जाता है। ऑडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखने समय हमें ध्यान रखना होता है कि स्क्रिप्टिंग ऐसा लिखा जाए कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या फिर आप अपनी बात किसी से कह रहे हैं और वो व्यक्ति आपके सामने ही है, तभी हमारा यूजर्स हमारे कंटेंट से कनेक्ट हो पाएंगे। टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट वो होता है जिसे पढ़ा जाता है, जैसे कि आर्टिकल, न्यूज़पेपर, बुक, ये सब कंटेंट टेक्स्ट कंटेंट है। टेक्स्ट कंटेंट भी अपने आप में एक आर्ट है। टेक्स्ट कंटेंट लिखने के दौरान सबसे ध्यान देने वाली चीज ये है कि हम जो भी लिख रहे हैं उसमें ग्रामर का यूज सही होना चाहिए, साथ ही स्पेलिंग का भी। ऑडियो और वीडियो में इन बातों का ध्यान रखने का जरूरत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि यूजर्स उसे देख रहे हैं और सुन रहे होते हैं। लेकिन कोई यूजर्स आपका लिखा हुआ पढ़ता है तो उस ब्लॉग या आर्टिकल को समझने के लिए उसे शब्दों की मदद चाहिए होता है। यदि आप शब्दों की गलत लिखेंगे तो कोई भी आपका आर्टिकल पढ़ना पसंद नहीं करेगा। मान लीजिए आप मनुष्य को पनुष्य या गणिष्य लिखा है, तो यूजर्स आपके बात समझ नहीं पाएगा। उसे फिर से उस आर्टिकल को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। ऐसे गलत लिखा हुआ आर्टिकल यूजर्स या क्लाइंट्स दोनों ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप जाने कंटेंट्स की फॉर्मेट के बारे में, कंटेंट कितने प्रकार का होता है और कंटेंट राइटिंग क्या होता है। आपके मन में इससे रिलेटेड और कुछ जानना हो तो कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।